नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। जैसा कि हम लगातार सर्वे कर रहे हैं, हर विधानसभा में उसके जिस भी पार्टी से जो जो कैंडिडेट हैं या जो भी दावा ठोक रहे हैं, हम उसकी बात उसके बारे में उस कैंडिडेट की खूबी और कमियां सब बता रहे हैं। कौन सी पार्टी किस कैंडिडेट पे दाव लगा सकती है, हम ये भी आपको बता रहे हैं। मगर हम जैसा बार बार कह रहे हैं आपसे कि इस खबर को शेयर भी करें, अपने ओपिनियन जरूर दें कमेंट बॉक्स में जाके अपने कैंडिडेट के लिए, जो भी आपको लगता है कि इस पार्टी का ये कैंडिडेट आपके लिए अच्छा हो सकता है, आपके क्षेत्र के लिए अच्छा हो सकता है, उसके लिए वोट जरूर करें, उसका नाम लिख के बताएं ताकि हमें भी पता चले और आगे के सर्वे में हम उसके नाम को लेके पब्लिक से बात भी करें। इसके साथ साथ जैसा आपको लगता है कि अगर इनमें से भी कोई कैंडिडेट आपको पसंद नहीं आ रहा या इनमें से कोई कैंडिडेट आपके इलाके के लिए अच्छे नहीं हैं, तो आप उसके लिए भी नेगेटिव लिख सकते हैं कि हमें इनमें से कोई भी कैंडिडेट नाम जो है वो पसंद नहीं है। आज हम करावल नगर विधानसभा की बात करते हैं, जहां एक नाम आने से काफी भूचाल मचा हुआ है, खासकर बीजेपी में। मगर उससे पहले वहां के इस समय के प्रेजेंट विधायक मोहन सिंह बिष्ट की बात कर लेते हैं। चार बार से लगातार विधायक हैं, एक बार हार का मुंह उनको देखना पड़ा है। मगर सबसे सीनियर अगर विधायकों की बात करें तो दिल्ली में एक नाम मोहन सिंह बिष्ट का भी आता है, जो कि करावल नगर विधानसभा से हैं। और यहां पे कहा जाता है कि उत्तराखंड के लोग और पहाड़ी समाज बहुत बड़ी संख्या में है, मगर इससे भी बड़ी संख्या में यहां पे पूर्वांचल के लोग, यूपी बिहार के लोग रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं। यह भी एक सच है, यहां पहाड़ी समाज, पूर्वांचल समाज या ब्राह्मण लोगों के या यूपी बिहार के लोगों के बाद आता है। क्योंकि खजूरी की बात करें, करावल नगर की बात करें, सोनिया बिहार की बात करें, जो इस विधानसभा के अंदर आता है उसमें ब्राह्मण, पूर्वांचल, यूपी बिहार के लोग यह सबसे ज्यादा हैं। फिर उत्तराखंड के लोग आते हैं, फिर आते हैं कुछ मुस्लिम समाज के भी, और इसमें एक चौधरी, जिसमें डेढ़ा चौधरी या ऐसे जो भी समाज हैं वो भी आते हैं, और बड़ी समाज, बड़े काफी संख्या में यहां और भी समाज के लोग रहते हैं। तो यह कहना कि यह पहाड़ी समाज का गढ़ है, यह भी गलत है। मोहन सिंह बिष्ट लगातार पहाड़ी समाज के दम पे, अपने लोगों के दम पे लगातार जीतते रहे हैं और पार्टी भी उनको दरकिनार नहीं कर पाई है, उनको लगातार टिकट देती है और वो चार बार से जीते भी हैं, एक बार जरूर हारे हैं, मगर उनका दमखम दिखता भी है। मगर एक सवाल, पहाड़ी समाज के दम पे जीतने वाले कोई भी नेता यह सवाल का जवाब देंगे कि आखिर पहाड़ी समाज ही, उत्तराखंड का समाज ही करावल नगर से पलायन क्यों कर रहा है लगातार? यहां पे पहाड़ी समाज लगातार बुराड़ी, टोनका सिटी, लोनी या और क्षेत्रों में, गाजियाबाद, साहिबाबाद क्यों जा रहा है? क्यों नहीं इनके लिए आप काम कर पा रहे? यह भी एक इसका कड़वा सच है। खैर, बात करते हैं नाम किस किस के चल रहे हैं। मोहन सिंह बिष्ट का नाम सबसे ज्यादा इस समय यहां से लिया जा रहा है, क्योंकि पूर्व में काफी लंबे समय तक राजनीति कर चुके हैं, अभी करंट में विधायक भी हैं, सबसे सीनियर विधायकों में और सबसे एक्टिव विधायकों में भी उनका नाम आता है, लगातार आवाज उठाते रहते हैं और पहाड़ी समाज के दम पे उनका वर्चस्व यहां पे कायम रहता है। बाकी समाजों में उनकी अच्छी पकड़ है, मगर इस बार जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि शायद पार्टी उनको यह जिम्मेदारी ना दे, उनको कोई और जिम्मेदारी दे, तो ऐसे में उनके ऊपर पार्टी दाव खेलेगी या नहीं खेलेगी ये तो वक्त बताएगा। मनमोहन सिंह बिष्ट का नाम सबसे पहले आता है अगर लोगों की पसंद की बात करें, पार्टी की पसंद की बात करें, दावेदारी की बात करें और उनका पिछला राजनीतिक करियर देखें, तो सबसे ज्यादा इस समय अगर कोई जिताऊ चेहरा है तो मोहन सिंह बिष्ट है। अब बात करते हैं दूसरा चेहरा जिसने बीजेपी में हलचल मचा रखी है। जब से नाम आया है तब से बहुत उठापटक चल रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के इस समय हिंदू और फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा की। कपिल मिश्रा इससे पहले आम आदमी पार्टी में थे, दिल्ली में मंत्री थे, करावल नगर से जीत चुके हैं,
मोहन सिंह बिष्ट को उन्होंने ही हराया था। उसके बाद वो लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो गए और अब इस समय बीजेपी में उपाध्यक्ष है दिल्ली प्रदेश में, लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। जो दिल्ली दंगे हैं उनमें भी उनका नाम आया था, हालांकि कहीं उनके खिलाफ कोई चीज नहीं मिली, मगर लोगों के बीच में कनेक्टिविटी और नाम को लेकर बात की जाए तो काफी हद तक लोग उनको पसंद करते हैं। अपने विधायक रहते हुए भी उन्होंने कुछ काम करवाए हैं जिसकी वजह से लोग उनको पसंद करते हैं, मगर उनका नाम आने से बीजेपी अगर उनके ऊपर दाव लगाती है, मोहन सिंह बिष्ट को रिप्लेस करती है, तो एक नाम कपिल मिश्रा का भी है और उनका नाम आने से यहां काफी लोगों की राजनीति खत्म होने की नौबत पे आ गई है। काफी लोगों के नाम यहां पे अब सेकंड या थर्ड नंबर पे आ गए हैं, यानी कपिल मिश्रा का नाम भी यहां बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग पसंद भी कर रहे हैं और कुछ लोग इसके खिलाफ भी हैं। उनका कहना है कि कपिल मिश्रा यहां पे रहते ही नहीं है, कभी मॉडल टाउन से इलेक्शन लड़ते हैं तो कभी कहीं से इलेक्शन लड़ते हैं, करावल नगर में क्यों नहीं रहते, करावल नगर क्यों छोड़ा, ऐसी बातें भी उनके साथ जुड़ रही हैं। मगर आखिरी फैसला तो बीजेपी का और पार्टी का होगा, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये तो पार्टी फैसला करेगी, मगर एक नाम कपिल मिश्रा का भी बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। अब बात करते हैं तीसरा नाम जो पुराने नामों में से एक नाम के रूप में आ रहा है। हम बात कर रहे हैं जितेंद्र शर्मा की, जो कि बॉक्सर भाई के नाम से भी जाने जाते हैं। ये कहें कि 90 के दशक से लगातार राजनीति में हैं, सोशल वर्कर हैं, बॉक्सर हैं, जो खेल प्रेमी हैं, जो खेल में नए युवा आ रहे हैं उनको लगातार ट्रेनिंग देते हैं, उनके लिए सोशल वर्क करते हैं, उनको अच्छी अच्छी जगह पे प्रमोट करते हैं, खुद उनके लिए काम करते हैं, सामाजिक हैं, हर व्यक्ति उनको जानता है। सबसे बड़ी बात, ब्राह्मण चेहरा भी हैं। और इसके अलावा एक चीज जो हमने सर्वे किया, जो हमारे को पता चला कि लगातार सोशल एक्टिविटी में हमेशा आगे रहते हैं। किसी भी लोकल व्यक्ति से बात करिए, उनको हर व्यक्ति जानता है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वहां पे कोई किराना स्टोर वाला हो, चाहे लोकल वहां पे गाड़ी चलाने वाला हो। ऐसे भी कई लोगों से हमने बात की तो उनका नाम भी लोग ले रहे हैं कि एक चेहरा ये भी है, बड़े बड़े पोस्टों पे काम कर चुके हैं, करीब 30-35 साल से उनकी राजनीतिक करियर इस समय चल रहा है, बहुत पुराने हैं, कभी इससे पहले दावेदारी नहीं ठोकी। उन्होंने मोहन सिंह बिष्ट के लिए भी काम किया है, पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। इस समय के करंट के यानी दो बार के यहां के सांसद मनोज तिवारी के भी बहुत खास है, उनके लिए भी लगातार उनके इलेक्शन में काम करते रहते हैं, पार्टी के लिए अच्छा काम करते हैं, लोगों को जोड़ के चलते हैं, कोई नेगेटिव चीज उनके आगे नहीं आ रही, कोई उनके लिए अगेंस्ट नहीं जा रहा, यह उनके लिए बहुत प्लस जा रहा है। उनका नाम भी काफी हद तक आगे चल रहा है। एक नाम जितेंद्र शर्मा उर्फ बॉक्सर भाई का भी चल रहा है और उनके साथ एक चीज और है, सोशल वर्कर बहुत अच्छे हैं, स्कूल है अपना, टीचिंग का भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, हजारों बच्चे उनके पास से पास आउट हैं। इसके अलावा लगातार बच्चों को खेल प्रतियोगिताओं में आगे करना, उनको ट्रेन करना, उनके लिए प्रमोशन के लिए उनको आगे लेके जाना, अपने परिवार को सेकेंडरी पर रखना, बच्चों के लिए आगे जाना, उनके लिए सपोर्ट करना, यह उनके लिए बहुत अच्छी छवि बनाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं उनके लिए कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं ढूंढ पा रहा। पार्टी आखिरी फैसला करेगी कि हम किसके साथ जाएंगे, मोहन सिंह बिष्ट, कपिल मिश्रा या जितेंद्र शर्मा बॉक्सर जी के साथ, यह उनके लिए भी प्लस जा रहा है। चौथा नाम जो चल रहा है वह है लक्ष्मण डबोला जी का। पिछले 3-4 साल से अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, लगातार पोस्टर और लोगों के बीच में सामाजिक जुड़े हुए हैं, पहाड़ी समाज से आते हैं, पहाड़ी समाज उनको काफी सपोर्ट करता है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ पहाड़ी समाज में पकड़ है। मोहन सिंह बिष्ट के भी खासम खास हैं, पहाड़ी समाज में पकड़ है, बाकी समाजों में बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों के बीच में उनकी बहुत अच्छी छवि है, कोई नेगेटिव नहीं कह सकता, परिवार भी उनका काफी एक्टिव है और इसके अलावा लोगों के लिए भी काम करते हैं। इस समय पिछले 2-3 साल से इतने एक्टिव हैं कि हर व्यक्ति उनका नाम जानता है। अगर आप उस पूरे इलाके में कहीं बात करेंगे लक्ष्मण डबोला जी का तो कोई भी आपको बता देगा। यह उनके लिए प्लस प्लस जा रहा है, पार्टी उनके नाम पे विचार कर रही है, सांसद, विधायक, क्षेत्र निगम पार्षद सबके लिए
वो एक ही राय रखते हैं, सबके लिए एक अच्छी ओपिनियन रखते हैं, सबके लिए काम करते हैं, समाज सपोर्ट करता है, क्योंकि मोहन सिंह बिष्ट के बाद अगर पहाड़ी समाज की बात की जाए, उनके ही नाम और काम को आगे बढ़ाने की बात की जाए, तो लक्ष्मण डबोला जी का नाम बहुत बड़े लेवल पे चलने वाला है, क्योंकि पहाड़ी समाज को रिप्लेस करने वाली बात अगर आएगी कि अगर मोहन सिंह बिष्ट को रिप्लेस किया जाए तो पहाड़ी समाज में कौन सा चेहरा है, तो एक नाम लक्ष्मण डबोला जी का भी आ सकता है, और यह काफी हद तक, क्योंकि अगर मोहन सिंह बिष्ट का नाम हटता है तो मोहन सिंह बिष्ट की कहीं ना कहीं जैसा उनका रूप है, जैसा वो कार्य करते हैं, वो बिना बोले या बिना अपनी आवाज उठाए शांत नहीं रहते, ऐसे में उनको मनाना, उनको शांत करना, उनको बिठाना बहुत टेढ़ी खीर होगी। इसमें लक्ष्मण सिंह डबोला जी काफी हद तक काम कर सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी समाज उनके साथ आता है तो उनको बिठा सकता है, समझा सकता है, वरना हो सकता है ये चीजें एंटी भी चली जाए। लक्ष्मण जी का नाम इसमें एक बहुत बड़ा कारगर साबित हो सकता है, और उनका नाम भी इस समय चल रहा है। अब हम बात करते हैं राकेश जेडा जी की। यह एक वो कार्यकर्ता है जो जमीन से जुड़े हुए हैं, काफी लंबे समय का एक्सपीरियंस है उनका, ऐसा ही जैसा जितेंद्र शर्मा जी का है ऐसा ही इनका भी कार्यकाल है, काफी बड़े बड़े पदों पर काम कर चुके हैं, बहुत कुछ राजनीति में कर चुके हैं, नेता चाहे कोई भी रहा हो, मोहन सिंह बिष्ट, सांसद मनोज तिवारी, निगम पार्षद कोई भी रहा हो, सबके लिए काम किया है, पार्टी के लिए बहुत ईमानदारी से काम किया है। आज तक कोई भी पद या पोस्ट मांगने की उन्होंने कभी कोई जहमत नहीं उठाई, उन्होंने हमेशा कहा है पार्टी जो देगी मैं उसके साथ खुश हूं, मेरा काम है पार्टी के लिए काम करना, क्षेत्र में अच्छी छवि है, लोग उनके बारे में अच्छा ओपिनियन दे रहे हैं, लोग उनको जानते हैं, क्योंकि यहां गुर्जर समाज ज्यादा है, डेढ़ा के डेढ़ा चौधरी लोग जो है वो जाने हैं, उनकी भी काफी अच्छी संख्या है, तो उनका नाम भी चलना काफी हद तक इसमें सपोर्ट करेगा, और गुर्जर समाज डेढ़ा समाज भी उनके साथ आ सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहाड़ी समाज में पकड़ नहीं है, ब्राह्मण समाज में पकड़ नहीं है, मुस्लिम लोगों में पकड़ नहीं है, उसमें भी उनकी उतनी ही पकड़ है, मगर उनका नाम भी यहां से चल रहा है, और यह वो नाम है जो हो सकता है कि पार्टी इस पर भी मोहर लगाए, मगर अंतिम फैसला जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि पार्टी का ही होगा किसके साथ जाती है। एक ऐसा नाम जो महिला कैंडिडेट के रूप में आ सकती है, अगर पार्टी इनमें से किसी के साथ नहीं जाती है, और लगातार उनकी तरफ से भी दावे ठोके जा रहे हैं, वो है पप्पू झा की धर्मपत्नी मधु झा। महिला मोर्चा में काफी एक्टिव हैं, लगातार अन्य पोस्टों पे काम कर चुकी हैं महिला मोर्चा में, सोशल वर्कर हैं, कोविड में बहुत अच्छा काम किया है इनके परिवार ने, परिवार में 3 से 4 लोग, बेटी, बेटा, खुद हस्बैंड, उन और खुद मधु झा, यानी पप्पू झा और मधु झा, धर्मपत्नी और पत्नी, यह लोग पति, ये सभी लोग लगातार काम कर रहे हैं, बेटी भी एक्टिव हो चुकी है इसमें, लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लगातार पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, कोविड में बहुत लोगों के लिए काम किया है, सामाजिक हैं, पूर्वांचल से हैं, बिहार से भी काफी उनकी पकड़ है, और ब्राह्मण होने के नाते उनकी एक छवि अलग है, वो भी एक कैंडिडेट हो सकते हैं उनकी, क्योंकि एक इकलौती महिला दावेदारी उनकी आ रही है, और उनका नाम अगर पार्टी एक महिला के रूप में देती है तो यह भी एक बहुत बड़ा नाम हो सकता है, आने वाले समय में वो भी एक दावेदार हो सकती हैं। साफ सुथरी छवि है, अभी तक कोई भी बात ऐसी आई नहीं है कि कोई उनको नेगेटिव कहे, परिवार भी अच्छा है, परिवार भी काफी एक्टिव है, परिवार के ऊपर भी सोशल वर्कर का नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है, कोई नेगेटिव छवि परिवार की भी नहीं है, मधु झा की भी नहीं है, और लोगों से भी अच्छी कनेक्टिविटी है, ऐसे में उनका नाम भी चलना काफी हद तक प्लस हो सकता है बीजेपी के लिए। और अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, ज्यादा नहीं मगर 2-3 नाम ऐसे हैं आम आदमी पार्टी के जो चल रहे हैं, और पार्टी इनमें से किसी पर दाव खेलेगी। सबसे पहला नाम जो चल रहा है वो चल रहा है चौधरी अपर्णा डेढ़ा का, करावल नगर से ही बेटी भी हैं और बहू भी हैं, इनके अपने बाप दादा यहां से प्रधान रह चुके हैं, पार्टी के कैंडिडेट रह चुके हैं, और के मेरठ से भी कई लोग लड़ चुके हैं चुनाव, और काफी कुछ सामाजिक काम कर चुके हैं। हालांकि अपर्णा जी अभी पिछले 3-4 साल से एक्टिव हुई हैं, मगर इस समय अगर महिलाओं की बात की जाए तो एक
बहुत बड़ा नाम अपर्णा चौधरी का भी चल रहा है, अपना डेढ़ा का भी चल रहा है और वो लगातार एक्टिव हो रही हैं, लोगों के बीच में लगातार सोशल वर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, लगातार आवाज उठा रही हैं और ये कहें तेज तर्रार और युवा चेहरा के रूप में भी उनका नाम इस समय बहुत ज्यादा करावल नगर में लिया जा रहा है। बेटी कहती है अपने आप को, बहू भी कहती है अपने इलाके की, इसलिए भी वो काफी एक्टिव हो रही हैं क्योंकि बेटी भी यहीं की है और बहू भी यहीं की है। काफी बड़ा सपोर्ट उनको आम आदमी पार्टी से ही मिल रहा है, पार्टी भी उनके साथ है, छवि भी साफ है, पिछले 3-4 साल से बहुत एक्टिव है, आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा हो सकती है और आने वाले समय में अगर पार्टी उन पर दाव खेलती है तो एक अच्छा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी हो सकती हैं, इनका भी नाम चल रहा है और एक अच्छी खासी फाइट दे सकती हैं। लगातार मोहन सिंह बिष्ट बीजेपी के खिलाफ अग्रसर रहती हैं, हमेशा उनके खिलाफ उनके लिए आवाज उठाती रहती हैं, क्षेत्र की बात हो काम की बात हो तो लगातार बीजेपी हमलावर रहती है बीजेपी पे और मोहन सिंह बिष्ट के लिए भी लगातार आवाज उठाती रहती है कि काम नहीं करते विधायक या काम किया है तो ठीक नहीं किया। ऐसी बात आती है तो सबसे पहले अपर्णा जी का नाम आता है, अपर्णा डेढ़ा हमेशा आगे रहती हैं। यह एक लेडी चेहरा है और बहुत बड़ा इस समय करावल नगर में उनका नाम चल रहा है, आम आदमी पार्टी इस पे भी दाव लगा सकती है, आम आदमी पार्टी अपर्णा जी को भी यहां से चांस दे सकती है और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे अपर्णा डेढ़ा जी का नाम चल रहा है। अब एक दूसरा नाम देवमोहन, करावल नगर के बेटे कहलाते हैं, कुछ ही समय से एक्टिव हुए हैं, ये कहें तो ज्यादा 1 साल, इससे पहले पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, मगर अब लगातार पोस्टरबाजी में आगे हैं, लगातार कह रहे हैं मैं करावल नगर का बेटा हूं, बेटा तो अरविंद भी केजरीवाल भी है दिल्ली के, आप समझ सकते हैं, मगर बात वही आ रही है कि क्या इनकी छवि इनको सपोर्ट करेगी, क्या आम आदमी पार्टी इन पर दाव लगाएगी, इससे पहले क्या ग्राउंड है, कितना काम किया है, यह भी देखने वाली बात है और साथ ही साथ लोगों के लिए कितने एक्टिव हैं, कितनी आवाज उठाते हैं, यह हमने अभी कम ही देखा है, मगर नाम इनका बहुत ज्यादा चल रहा है। दूसरा नाम आम आदमी पार्टी की तरफ से देव मोहन जी का भी है और एक पार्टी के लिए एक अच्छा चेहरा हो सकते हैं। तीसरा नाम मनोज त्यागी, खजूरी से यह निगम पार्षद रह चुके हैं, इस समय जिले में काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम किया है, जब निगम पार्षद थे बहुत अच्छा काम किया है, लोगों ने उनको बहुत सपोर्ट किया है, लगातार आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सोशल वर्कर हैं, लगातार लोगों के लिए आवाज उठाते रहते हैं, हर व्यक्ति तक पकड़ है, किसी भी समाज की बात की जाए, पहाड़ी समाज या पूर्वांचल समाज, ब्राह्मण चेहरा या कोई भी ऐसी बात आए तो उनका नाम भी बहुत मान सम्मान से लिया जाता है। अभी तक कोई एलिगेशन उनके ऊपर नहीं है, कोई नेगेटिव छवि नहीं है उनकी और मनोज त्यागी का नाम आना इस इलाके में एक अच्छा कैंडिडेट के रूप में, उनका भी नाम बहुत अच्छे से चल रहा है और पार्टी उनके नाम पर विचार कर रही है। अगर अपर्णा जी का नाम नहीं आता है किसी कारण से तो मनोज त्यागी का नाम सबसे ऊपर रहने वाला है। फाइट मनोज त्यागी और अपर्णा डेढ़ा के बीच में है, आम आदमी पार्टी में ही, क्योंकि दोनों की छवि अच्छी है। मनोज त्यागी एक्स निगम पार्षद रह चुके हैं, उसके अलावा काम बहुत अच्छा किया है, पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं और हर नेता तक बहुत अच्छी पकड़ है, एमसीडी में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लगातार लोग उनसे जुड़े हैं और हर व्यक्ति उनको जानता है। यह है मनोज त्यागी का बैकग्राउंड। अब बात करते हैं ऐसे एक चेहरे की जो कांग्रेस से हैं, मगर एक चीज हम आपको और बता दें, कांग्रेस करावल नगर में कहीं भी एक्टिव नहीं है, ना संगठन है ना कांग्रेस का गढ़ है, कहीं हद तक कांग्रेस यहां ना के बराबर है, ढूंढे से कैंडिडेट यहां पे कांग्रेस को नहीं मिल रहे, ले दे के एक आध चेहरे मिल रहे हैं, वो कितनी फाइट कर पाएंगे, कितना अपना वजूद बचा पाएंगे, कांग्रेस को कितना जिंदा कर पाएंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। मगर यहां पे
अरविंद सिंह एक नाम आ रहे हैं इस कैंडिडेट के रूप में। इकलौते ऐसे नाम है जिसका नाम लोग ले रहे हैं, जिनकी बात बारे में बात कर रहे हैं। अदरवाइज यहां पे कांग्रेस के कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे, कांग्रेस के लिए नाम ही नहीं है। यह भी चौंकाने वाला है करावल नगर में। करावल नगर विधानसभा में अरविंद सिंह एक ऐसे नाम है जो अकेले फाइट कर रहे हैं कांग्रेस में, टिकट के लिए भी और अपने कांग्रेस को वहां जिंदा रखने के लिए भी। हालांकि इनका सोशल ग्राउंड अच्छा है, लोग जानते हैं, पहले भी पार्टी के लिए काम कर चुके हैं, काफी एक्टिव हैं, कोई दाग नहीं है। मगर कितना फाइट दे पाएंगे किसी भी कैंडिडेट को, यह भी देखने वाली बात है। तो ओवरऑल सब मिला के कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी का ये वो कैंडिडेट हैं जो करावल नगर से फाइट कर रहे हैं, जिनके नाम इस वक्त चर्चा में हैं। आपको किन इनमें से कौन सा नाम पसंद है, या आप कोई और कैंडिडेट का भी नाम हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस पर भी सर्वे करेंगे, उस पर भी काम करेंगे। आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि कौन सा कैंडिडेट आपको पसंद आता है, किस कैंडिडेट ने आपके लिए काम किया है और किसने नहीं किया। आप किसको चाहते हैं कि वो आपका इलाके का MLA हो, विधायक हो और आपके लिए काम करे, या हकीकत में क्या इनमें से कोई भी चेहरा नहीं है जो आपके इलाके में काम करने लायक हो। यह सब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और हो सके तो हमारी इस खबर को शेयर करिए और अपने ओपिनियन भी हमें दीजिए। NBHAT TV दिल्ली।